नमस्ते दोस्तों, मेरी यमी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं हरितालिका तीज के अवसर पर बिहार के फेमस स्वीट अनरसा बनाना शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल परंपरागत तरीके से। अभी आप लॉकडाउन के टाइम में इसे घर पे बनाएं और हरितालिका तीज को उसी तरह से मनाएं जैसे हर साल मनाते हैं। दोस्तों, मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरा देखें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए दोस्तों, अब अनरसा बनाना चालू करते हैं। इस तरह से वाइट वाला चावल लिया है हमने, बासमती चावल, और इसे दो चार पानी से अच्छी तरह से साफ तरीके से धो लिया है। इसे अच्छी तरीके से धो लेते हैं, दो तीन पानी से अच्छी तरीके से धो के फिर इसे यूज करना है। देखिए, इसे धो के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें फुल पानी भर के और इसे ढक के 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आप ज़्यादा दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, जैसे 36 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए। तीन दिन, तीसरे दिन इसको बनाया जाता है, लेकिन गर्मी अभी काफ़ी है तो इस चावल में खमीर की मात्रा आ जाएगी पर्याप्त 24 घंटे में, तो हमने इसे 24 घंटे ही भिगो के छोड़ा है। अब देखिए, ये बिल्कुल 24 घंटे के बाद मैंने इसे पानी से अच्छी तरीके से धो के, दूसरे पानी से धो के अच्छी तरीके से फिर इस तरह के कपड़े पे छान लिया है, बिना पानी का, पानी बिल्कुल अलग कर दिए हैं। फिर इसे पंखे के हवा में फैला के और दो तीन घंटे के लिए सुखा लिए हैं। धूप में नहीं सुखाना है, बस पंखे की हवा में, आप घर के अंदर ही इसे सुखाइए, क्योंकि चावल के अंदर का पानी तो इसमें रहेगा, बस बाहर का पानी को सुखाना है। फिर उसे पीस कर और चालनी से अच्छी तरह से छान कर इस तरह से पतला सा आटा तैयार कर लेते हैं। इसमें पानी की मात्रा अंदर है, आटे के अंदर, इसमें पानी यूज नहीं करना है और न दूध यूज करना है। और शक्कर पाउडर हमने अपने स्वाद के अनुसार इस्तेमाल किया है, आप गुड़ से भी इसे तैयार कर सकते हैं, और इसमें कोई भी पानी मिलाने का ज़रूरत नहीं है और न ही दूध मिलाने का ज़रूरत है। बस शक्कर और आटे को मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से, देखिए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं, और इस तरह से जमा करके और फिर इसे ढक के 20 से 25 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। 20 से 25 मिनट हो गया है, देखिए आटे के अंदर काफ़ी नमी था जिसके कारण इसका डो तैयार हो गया है, बिल्कुल बढ़िया सा डो तैयार हो गया है, इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। और चावल 24 घंटे पानी के अंदर पड़ा था और गर्मी काफ़ी थी, इसलिए इसमें खमीर भी है। अब इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, इस तरह से गोला कर लेते हैं और अलग अलग बांट लेते हैं। हमने मावे का अनरसा बनाया है, इसके अंदर मावे को, इसकी फिलिंग मावे की बनानी है, ये फिलिंग वाली अनरसा है, इसलिए इसके अंदर इस तरह से मावे को आप डाल लीजिए और बीच में एक किशमिश भी ऐड कर देते हैं, और फिर इसे इस तरह से पैच कर देते हैं और हल्के हाथों से एक गोला तैयार कर लेते हैं। अब ये वाइट वाला तिल है, तिल के अंदर इसे एक तरफ से डिप कर लेते हैं, बस एक तरफ से डिप करना है इस तरह से, देखिए इस तरह से बनाना है। और फिर इस तरह का गोला लेते हैं, उसमें मावा ऐड करते हैं और किशमिश डाल के और उसे पैच कर देते हैं, और इस तरह से तिल के अंदर डिप करके और सारे गोले को तैयार कर लेते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी, बिहार में इस रेसिपी को बहुत पसंद किया जाता है, खासकर हरितालिका तीज पे।
इसे भगवान का भोग लगाया जाता है और फिर लोगों में बांटा जाता है और बहुत शौक से इसे खाया जाता है। अब इसे घी में तल लेते हैं। देसी घी में ये काफ़ी टेस्टी तैयार होता है। हाई फ्लेम पे घी को गर्म करके और फ्लेम को फिर आप लो कर दीजिए या लो और मीडियम के बीच में करके इसे तलते हैं। एक तरफ से ही तलना है, दूसरे तरफ से उलटना नहीं है, बस इस तरह से ऊपर से गरम गरम घी को डालते रहिए जिससे ऊपर का भाग भी अच्छा से पक जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसे तलने में क्योंकि इसे अच्छा क्रिस्पी तैयार करना पड़ता है। चावल के आटे में काफ़ी खमीर हो जाता है, इस वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही करारी तैयार होता है और टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है इसका। इसे गुड़ और शक्कर दोनों में बनाया जाता है। देखिए धीमी आंच पे ये धीरे धीरे पक रहा है, थोड़ा सा टाइम तो लगा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है करारी। देखिए इस तरह से तैयार हो गया और बहुत ही क्रिस्पी, देखिए बिल्कुल अंदर मावा भरा हुआ और बहुत ही टेस्टी अनरसा तैयार हुआ है। देखिए ऊपर से एकदम करारी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत टेस्टी और बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल देखिए जाली बन गया है एकदम चावल के आटे का, देखिए बिल्कुल करारी तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी।